नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का आप सभी के अपने YouTube चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि वी विल मोटिवेट यू, गाइड यू, असिस्ट यू, सपोर्ट यू टू गेट अ पास रिजल्ट, या हम लोग आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे और मैं खुद आपको मोटिवेट करूंगा एज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी जानते हैं आज हमारे बहुत सारे भाई जीवन में सिर्फ इसलिए असफल हैं कि किसी ने उनको मोटिवेट नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, उत्साहित नहीं किया, उनको आगे बढ़ने के लिए उकसाया नहीं, उन्हें समझाया नहीं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह कर वो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक, बीबीए, एमबीए या जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप थंबनेल में या फिर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आधी पढ़ाई पढ़ के अपना पैसा, समय, माँ बाप का पैसा, समय बर्बाद कर चुके हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह कर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट के वजह कर उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले एज एन इंडियन, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आप सभी को एक बड़ी ही खूबसूरत पंक्ति जो कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, समझे, इंप्लीमेंट करें और लाइफ में आगे बढ़े। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो अगर किसी भी वजह कर, वजह बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आप नाकाम हो गए हैं, आधा में पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, डर गए हैं जमाने से, हिम्मत हार चुके हैं, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु जी, या जिस किसी भी धर्म को हम लोग इंडिया में मानते हैं, वो भगवान, वो गॉड ये कहता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपके साथ हूँ। और कहते हैं ना कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता तो वो है जो कोशिशें हजार करता है। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सच्चे कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को सुनकर अगर आप जरा भी मोटिवेट हुए हैं, आपके अंदर जरा भी उत्साह आया कि हाँ सर आपने ठीक कहा कि अगर मैं एक बार हार गया हूं तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करूंगा, जो इंसान बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है, ताली बजा रहा है, वो क्या हारे और जीतेगा। हारने और जीतने का फैसला तो उसके साथ होता है जो मैदान में उतरता है। तो आप एक बार ट्राई तो कीजिए, हो सकता है कामयाबी से थोड़ा ही पीछे रह गया हो सकता है अब की बार आप कामयाबी हो जाओ। मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शिव खीड़ा जी ने कहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हारने और जीतने वाले के बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है, जीतने वाला एक और बार कोशिश करता है, जीत जाता है, हारने वाला एक और बार कोशिश नहीं करता, हार जाता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हार को पसंद करना चाहते हैं या जीत के अपनी लाइफ को और अपने परिवार के लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर जरा भी जीतने की ख्वाहिश है, फिर से लड़ने की ख्वाहिश है, जमाने को कुछ करके दिखाने की ख्वाहिश है, तो वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी की पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे, उस लेवल का गाइडेंस दिया जाएगा कि आप जिस किसी भी कोर्स में फेल हो गए हैं, जिस किसी भी वजह कर फेल हो गए हैं, उसकी पास रिजल्ट, उसकी पास वाली डिग्री आपके साथ होगी। तो देर नहीं करें, नीचे दिए नंबर पे फोन करें, हम लोग गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुँचने में पूरा सपोर्ट करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। और ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, अगर आप रीच होते हो, सफल होते हो, तो आप भी खुश होते हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप सब खुश होते हैं। अगर आप सफल होते हो तो आपके साथ साथ आपकी परिवार भी सफल होती है, आप अपने आने वाले जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे से खिलाना पिलाना कर पाएंगे, उनको अच्छे से देख पाएंगे, अच्छी परवरिश कर पाएंगे, और आने वाले दिनों में अगर वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी से या विदेश जाके पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उनको पढ़ा पाएंगे। तो आपकी तरक्की के साथ साथ आपके परिवार की तरक्की भी छुपी होती है। आज पैसा लगाइए, आज ऐसा बीज लगाइए जिसका फल आप भी खाएं और आपके आने वाले जनरेशन खाएं। और मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन से अच्छा कोई बीज होगा, कोई पेड़ होगा जो बराबर आपको फल देता हो, बिकॉज किसी भी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल नहीं होता जहाँ तक हमारा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज कोई छीन भी नहीं सकता। और कहते हैं ना कि
कि तलवार से ज्यादा ताकत पेन पे होती है। कोई भी जज तलवार से नहीं लिखता कि किल हिम टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब तक वो मरता नहीं है उसको टांग के रखो, लटका के रखो कि वो मर जाए, ऐसा नहीं है। वो एक पेन से ही लिखता है। मतलब पता ये चला कि जो जज भी होता है वो भी एजुकेटेड होता है। तो अगर आपको जिंदगी में इज्जत से, मान सम्मान से, आराम से पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना है, जमाने को कुछ करके दिखाना है, तो देर नहीं करें मेरे भाई, नीचे दिए नंबर पे फोन करें, हम आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेंगे। पढ़े हमारा देश, आगे बढ़े हमारा देश, इसी लक्ष्य को लेकर वेलफेयर इंस्टीट्यूट और उसकी पूरी टीम काम कर रही है। आपसे आपका भाई रिक्वेस्ट करता है, इस अच्छे वाले मोटिवेशनल वीडियो को अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे टिक कीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। पढ़ाइए देश को, आगे बढ़ाइए देश को। और कहते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़िएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।